ये देखिए सर जो है इसके आहार के लिए बना रहे हैं। सर ये क्या है सर? ये है, ये तो खल्ली है जी, जो वहाँ राजस्थान वगैरह में इसको लोग खल कहते हैं। तेल का जो वेस्टेड केक होता है, यस यस, ऑयल केक कहते हैं, कोई खल्ली कहते हैं, कोई खल कहते हैं। इसमें तीन तरह की खल्ली है, सोयाबीन की खल्ली है, सरसों की खल्ली और तीसी की खल्ली जी। तीसी की खल्ली में चिकनाहट बहुत अच्छी होती है, और चिकनाहट होती है तो भूसा में इसको अगर फेंट के फुला के मिलाइएगा तो एकदम चिकना हो जाएगा। जिस तरह से आप कहिए कि सब्जी का शोरबा जो होता है वो काम करता है, उसी तरह से ये काम करता है। तो ये हम देते हैं, और वेट गेन करने का मेरा ये स्पेशल फार्मूला है जो खुद हम बनाते हैं, और ये किसी भी गोल्ड फार्मर में इतना इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेगा, इतना अनाज वगैरह नहीं मिलेगा। इसमें क्या क्या अनाज है सर? इसमें जितने तरह की दाल है, खेसारी, चना, मसूर, राहड़, मूंग वगैरह जितने तरह की है, मटर उटर जितने तरह का है, सब का इसका चुन्नी है। इसमें जो उसका टूटा दाना होता है दाल का, अच्छा, उसकी चुन्नी है। उसके अलावा इसमें मकई का दर्रा है, गेहूँ का दर्रा है, बाजरा का दर्रा है, आपके ये इसका है जौ, हाँ जौ का दर्रा है, ये सब दर्रा वगैरह है इसमें, मतलब लगभग 10-11 तरह का वो सब है। और अच्छा। उसके अलावा इसमें नमक है तीन तरह का, अच्छा, सेंधा नमक है उसको पाउडर बना देते हैं, ब्लैक नमक, काला नमक है उसका पाउडर बना देते हैं, और जो आयोडीन नमक घर में खाते हैं उसको सबको मिला देते हैं, और इसमें जो है मिनरल मिक्सचर, मिनरल पाउडर जो होता है वो पाउडर इसमें मिला देते हैं। पाउडर मिलाने से मान लें कि आपके पास हरा चारा वगैरह की कोई कमी है तो उसको ये मेंटेन करता है। और ये फार्मूला जो है ना, ये 4 महीने में कोई भी खस्सी अगर 10 किलो का है तो वो इत्मीनान से 18 किलो गोश्त वाला हो जाता है। तो अच्छा, हाँ, तो जो 4 महीने, हम सिर्फ 4 महीना जो है ब्लैक बंगाल का जो लास्ट में होता है, हम तो ऐसे तो बराबर खिलाते हैं, लेकिन 4 महीने में इसका एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, और 4 महीने में खस्सी का जो है लगभग 8 किलो पर खस्सी का 4 महीने में वेट बढ़ जाता है। यही वजह है कि मेरा ब्लैक बंगाल खस्सी भी 45 kg प्लस होता है। तो ये हो गया, और अब आइए कि यहाँ देख लीजिए, ये है कैल्शियम, ऑस्टोवेट कैल्शियम। हाँ, ऑस्टो तो खैर को नहीं मिला था, ऑस्टोवेट चिलेटेड नहीं मिला था। हाँ, चिलेटेड नहीं मिला, तो ये लिया, देखिए उससे पहले हम ये लाया था। अच्छा, ये लाया चिलेटेड ऑस्टोवेट जो है ना, ये बहुत बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से मिनरल पाउडर भी जो लाते हैं ना, वो चिलेटेड लाइए, एग्रोमिन चिलेटेड, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा महंगा होता है लेकिन इससे नॉर्मल से वेट भी गेन करेंगे। अच्छा। खस्सी भी अच्छा हो और पैसा भी ना लगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो और ये देखिए, हम चना का बेसन अलग से बनाते हैं, जबकि उसमें रहता है, उसमें सब मिला रहता है, लेकिन फिर भी चना का बेसन हम इसमें मिलाते हैं, और चना का बेसन देखिए हम इसमें फुलाया भी है, देखिए फुलाया भी। तो ये तो
खस्सी का है और बकरी के लिए जो है ना, अभी जो मेरी बड़ी बकरी है दूध दिए हैं उसमें वही सारा सा है फार्मूला जो हम दिखाया है वही सब देखिए इसमें डाला हुआ। देखिए खल्ली कैसे एकदम चिकनी हो गई है, ये तीसी की खल्ली तो इसको बकरी मजे से खा लेगी, बहुत शौक से खाएगी, इतने शौक से खाएगी ना जी ये मत कहिए। फिर ये जब खा लगी तो फिर तो बकरी हर वक्त खोजेगी, तो हम ये सिर्फ शाम के शाम देते हैं, सुबह दिन में जो है हम सुबह फुला देते हैं इसको। हाँ फुला देते हैं। मतलब खल्ली को कितना देर फुलाना चाहिए? खल्ली अगर चूर किया हुआ है ना तो 15 से 20 मिनट फुला देते फूल जाता है जी, और अगर वो ये नहीं किया हुआ है तो बड़ा बड़ा है केक टाइप में है तो केक टाइप में है तो उसको सुबह से शाम और दिन, अगर सुबह में देना है तो शाम में, एक दिन पहले शाम में अच्छा खुला जाना चाहिए। तीसी का खल्ली जल्दी जो है ना खुलता नहीं, अच्छा इसलिए तीसी का खल्ली तो हर हाल में आपको चूर के ही देना होगा, और नहीं तो फिर वही कम से कम 12 से 18 घंटा उसको खुलाइए तभी वो होगा। वेट गेन करने का आपके विटामिन कॉम्प्लेक्स होता है, देखिए टोटल विटामिन है इसमें, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, फिर जिंक है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है, विटामिन बी 12 है, सर्बिटॉल है, ये सब बहुत सारी चीज़ है। नाम दिखाएं इसे? नहीं ये अलग अलग एच, मेन एच होता है। अच्छा एच नाम के कोई भी जो है ना वो लोग अलग अलग नाम रखते हैं, तो ये मोटा एच कंपनी है, और भी ऐसा है वीटा एच है वगैरह है, बहुत सारी कंपनी है। ये जो है आपके वेट गेन कराने में बहुत मदद देता है और बकरी का दूध बढ़ाने में बहुत मदद देता है। अच्छा हाँ बकरी के दूध को मेंटेन रखता है और वेट गेन कराता है। आप मेरा खस्सी जो छोटा सा 4-4 महीने का 3.5 महीने का खस्सी देख रहे हैं जो 8-10 महीने का 7 महीने का लग रहा है जी। वो इसी का देन है इसका है, और बाकी वो सब जो खिलाता है। तो ये जो फीड है ये सर का फीड है, आप भले इससे इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो वो अलग सी बात है, बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो भाई ये शौक से पोस रहे हैं, ये शौक से कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं, और ये है कुर्बानी के लिए कि आप बेहतर से बेहतर खिला सकें, तो सर बेहतर से बेहतर खिला सकते हैं। आप इनसे कुछ अगर इनके जो टिप्स है खिलाने का उससे अगर कुछ ले सकते हैं तो ये बेहतर है। ये ब्रोटोन देते हैं? हाँ ब्रोटोन लीवर टॉनिक, वो उसके साथ ब्रोटोन रहता है और वो जो है आपके मिनरल मिक्सचर होता है विमरल, तो हाँ उसके साथ विमरल मिला देते हैं। तो ये सब इतना करने के बाद तब जाके मेरा 45 केजी से प्लस होता है ये ब्लैक बंगाल, जो ब्लैक बंगाल में हार्डली 20 से 25 केजी तक ही लोगों का है, ये 20-25 केजी तक का होता है, लेकिन हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल बकरीद में 45 प्लस हो जाता है, 48, 47, 49 कभी कभी तो 52 तक मेरा गया है। सेल्फ फीडिंग पे? हाँ भराई नहीं भाई, सेल्फ फीडिंग पे नहीं, भराई सेल्फ नहीं, भराई इतना जानवर को हो भी नहीं पाएगा, भराई उतना हजम भी नहीं होगा। हाँ जी सेल्फ फीडिंग पे जी। अगर चाहते हैं कि आपका खस्सी वेट गेन अच्छा करे जी, और इसमें आपको महंगा और सस्ता नहीं सोचना है, खस्सी खूबसूरत हो बकरीद के लिए, खस्सी तंदुरुस्त तवाना हो देखने में भी अच्छा लगे, तो वो खस्सी कुर्बानी की फजीलत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप कीमत नहीं जोड़ेंगे और चाहिए कि शौक से मेरा खस्सी अच्छा हो और अपने घर पर आप पोसते पालते हैं तो इतना कीजिएगा, तो फिर खस्सी का रिजल्ट देखिएगा ये शानदार रिजल्ट होगा। जो खास ब्लैक बंगाल आपके 8 से 10 हज़ार मिलती है ना, वो ब्लैक बंगाल 20 हज़ार से ऊपर की कीमत की होगी, तो पैसा लगता है तो रिजल्ट भी मिलता है, रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। ये जो है ये जो डाइट है ये जो फीड है ये उनके लिए है जो घर पे बकरा पोसते हैं, ये फार्म वाली फीड नहीं है और ये कॉस्ट कटिंग वाली फीड नहीं है। सोडा, ये सोडा है? हाँ बीच बीच में हफ्ते में एक बार दो बार सोडा दे देता है, क्योंकि डाइट बहुत होता है भारी होता है जी। वो सोडा जो है डाइजेस्ट करता है जी। तो बीच बीच में 2 रोज तक 3 रोज पर इसको सोडा दे देते हैं, यानी एक बकरी पर कम से कम 5 ग्राम के हिसाब से सोडा हम दे देते हैं। और एक चीज़ ये है कि ये पाकिस्तानी फार्मूला है, एक्चुअली क्या है जो हल्दी जो है
ये पाकिस्तानी फार्मूला है जो इंडिया के लोगों ने भी, जब यूट्यूब का जमाना आया और जब पाकिस्तान का लोगों ने वीडियो देखा तो उसमें उनको पता चला कि हल्दी की अहमियत कितनी है बकरी पालने में। अच्छा, हल्दी आप बराबर देते रहिएगा तो PPR, FMD ये सब, और सर्दी और खांसी की बहुत कम उम्मीद होती है। यार हो जाए वो अलग बात है जी, लेकिन ये जो उसको रोकता है और बहुत सारी बीमारियों से रोकता है। कितने दिन पर देना है सर इसको हल्दी को? हल्दी गर्मी में, जाड़े में या बरसात में लगभग हम दो रोज पर देते हैं जी। जाड़े में हम इसको डेली देते हैं। अच्छा, तासीर इसकी गर्म होती है? हाँ, तासीर गर्म भी होती है, एंटीबायोटिक भी है जी। और इसके साथ जो एक तेल बनाया जाता है, जो पाकिस्तानी फार्मूला तेल, कड़वा तेल वाला है, उसमें मिक्स ऑयल क्या? हाँ, मिक्स ऑयल, उसमें आपके मंगरेला है, उसमें लहसुन है, वो उसमें अजवाइन वगैरह जी जी, वो हम लोग आराम से जाड़े में हम लोग उसको बताएंगे उसके बारे में। हाँ, उसके बाद में आप हमसे ले लें जाड़े जी जी। वैसे बीच बीच में हम देते हैं जी जी, लेकिन जाड़े में हम अभी जब साथ में भी देते हैं, उसके बाद में फार्मूला, आप कभी आइएगा तो हम वो अलग से बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आने का, आपका भी शुक्रिया भाई। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक।